This is South Kashmir, Pulwama area. कम से कम 2:15 बजे होंगे इसको टाइम कि जब मेरा बेटा वहाँ उसने कहा मम्मी पापा वहाँ आर्मी है. That's all there is to hold for Jalaluddin Dar. A photo of his son, 25-year-old Rahis Ahmed Dar. उन्होंने हमारे गेट को तोड़ने की कोशिश किया. हमने उनको गेट नहीं खोला. फिर उन्होंने दीवार से मारा. छांग माला दीवार के ऊपर आया 2-3 आदमी. बस हमारे खिड़की उसने इसके इसके इस तरह के हमने थोड़ा खिड़की खोला. मैंने कहा क्या बात है. मैंने बेटी को हमारे साथ भेजो. मैंने किस बेटी को. मुझे लगा कि कोई छापा वापा होंगे तो नहीं. इसके बाद मेरे बड़े बेटा भी आया. उसको भी देखा. उसको भी लिया घुसर कर. उन्होंने उन आगे लेके बोला इस मकान में तलाशी कर लेनी है. हमने उन मकान वालों को बोला कि बाहर निकलो. यस सामने आर्मी है आगे. फिर जब वो निकले तो फिर दोबारा उन्होंने बोला दोबारा जाओ तलाशी के लिए. जब हम दोबारा गए उन्होंने पीछे से फायरिंग की हमारी. फिर मेरे को टांग में गोली लग गई. मैं क्रॉलिंग करके दूसरे मकान में पहुंचा. फिर हम जख्मी होके भी उन्होंने हमें पीटा है. पहले बोला वहाँ कितने बंदे हैं. मैंने बोला आपने पीछे ही से फायरिंग की. हमें कहाँ पता है अंदर कितने बंदे. हम लाइट भी नहीं थी. हम अंदर गए इन्हें पीछे से फायरिंग की हमारी. खुद वो आगे गए नहीं. अगर उनको मुजाहिद और मिलिट्री वालों का आपस में लड़ाई है. उन्होंने हमें हिमसलिस यानी डाल बनाया. जो पहले बचे हैं उसको फायर आया. उसने मुझे बताया. उन्होंने मैंने हेम सेल बनाया. फिर जब मैं वहाँ गए उन्हें ऊपर से फायर मारा. आर्मी वालों ने मारा. वो मुझे टांग पर लगा. मैंने बहुत कोशिश किया. ये मतलब कॉलिंग वाली किया. मैं दूसरे घर में बचे. जो दूसरे बच्चे हैं दूसरे बच्चे जो उसको शहीद किया इन लोगों ने ना तुम ऊपर जाओ मुझे हल किया. फिर फायरिंग किया. इन्होंने होम सेल बनाया. उन्होंने डाल बनाया उनको. गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं. हम इनको नहीं करते. हम होम मिशन में ये क्रॉस फायरिंग. मैंने पहले भी बोला कि एसपी साहब ने कहा कि मैंने बोला ये कहाँ क्रॉस फायरिंग है. इनको इनका होम मिशन बनाया यानी डाल तक इस्तेमाल किया सब लोग हम तीनों को. तो कहाँ ये क्रॉस फायरिंग हुआ. ये गवर्नमेंट सब झूठ बोलते हैं. कहते हैं हम इनको तहकीकात करेंगे. फिर करते नहीं. इन द आफ्टरमाथ ऑफ एन एनकाउंटर दीज आर द स्टोरीज ऑफ फैमिली मेंबर्स हु आर लेफ्ट विद द बॉडी ऑफ द लव्ड वंस riddled with bullets and deathly silence. 2000 onward, this is 2000, we don't have the figures before 2000 because the intensity of the violence was more in 1990. So it's continuing human shield. Yeah, we have very, if you remember that one of the very important case was in it was in 2004 in Bandipora Chatti Bandi, where the 5 civilians were taken as a human shield and they got killed. Then even we have the statement of then law minister that Muzaffar Beg that the action has been taken against some of the guilty persons, which was far from the truth. On the contrary, if you see then Governor General S.K. Sinha on 16th of Feb has given clean chit to the army. So there is complete impunity to the army, meaning that since the human shield is not, there is no accountability for them and they are going on. As I told you that in Chatti Bandi case in 2004, nothing happened here. So there is complete impunity and then unfortunately it is likely to continue in future also. Keep in view the impunity, not legal impunity, but even if you see the statement of the Prime Minister of India on 14th of Feb, he said they have been given free hand. Free hand means they can do anything. Yeah. उनको यही आर्मी आई थी. उन्होंने बोला जाओ निकलो बाहर. यही हमें चेकिंग करनी है मकान को. फिर वो अंदर आई मेरे हस्बैंड को अपने साथ लिए और चेकिंग की मकान को ऊपर तक. फिर वो हम मेरी दो बेटे और मैं हम बाहर थे. उन्होंने कहा आप बैठो उधर आंगन में. फिर वो चेकिंग करके निकल गए और बोला जाओ आप अंदर. हम अंदर आए मेरी दो बेटे और मैं और मेरा हस्बैंड उन्हीं के साथ थे.
recounting the little details of what they were doing before the army entered their homes. Daud Ahmed Bhatt, a young boy, was killed in Shopian along with two militants. The army declared that they had killed three militants, only to tell later on that one of them, in fact, was a civilian. My name is Salman Majid. I am this boy whose name is Ishtiaq Ahmed Bhatt, Khaldi Muhammad Daud Bhatt, who is his brother. We are both the same age. We lived together from childhood. He was a shock in his life. He was a shock in his car or a shock in his cricket. So, when he came to the cricket, he came to the cricket in the morning to grass. After that, he came to the cricket. उसके बाद इसको फिर से बाग में जाना था घास लाने के लिए तो जब ये घास लाने के लिए गया तो उसके बाद हमें कुछ पता नहीं कि ये कहाँ गया तकरीबन 3 बजे का मसला है तो उसके बाद हमने इसको कॉल भी की घर से इसने कोई फ़ोन पिक नहीं किया बिजी आया उसके बाद स्विच ऑफ आया जब ये फायरिंग स्टार्ट भी हुई यहाँ पर तो फिर हमें किसी को पता नहीं था उसके बाद मुझे मेरे कज़िन ने फ़ोन किया कि ऐसा मसला दर पे जाए हमने इसकी डेड बॉडी उठाई वहाँ से क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं उनको वहाँ से तलाशी करने के लिए लिया गया था तो इसको बाग से लिया गया था जब हमने फिर हम गए लाइन पे वहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली उन्होंने बोला कि इसके जो आइटम थे मतलब फ़ोन था कार्ड था वगैरह वो सब आर्मी के पास है हमें इससे यही शक हो रहा है कि शक क्या ये पूरा कन्फर्म है कि इसे ह्यूमन शील्ड के तौर पर लिया गया था और इसको इन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पर मारा वहाँ पर बाकी इसको मतलब कोई खतरा नहीं था ये सिखाया गया था अपने काम के लिए बाग में यहाँ की मालूमात के मुताबिक फायरिंग हो गई थी उसी साइड से हुई थी बागों में फायरिंग हुई थी जब शाम तक हमें पता नहीं था कि ये है इसका फ़ोन लग रहा था एक नंबर पे स्विच ऑफ हो आ रहा था दूसरे नंबर पे कॉल लग रही थी बट ये फ़ोन पिक नहीं कर रहा था उस टाइम जब शाम के वक़्त हमें यहाँ पे कुछ ऐसी अफवाह हुई कि इश्तियाक शहीद हुआ है तब तक ये नेट सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे कि खाली 3 मिलिटेंट्स शहीद हुए और कोई नहीं हुआ है सिवल कोई नहीं जब हम वहाँ पे पहुँचे वहाँ पे भी यही बोला कि वहाँ 3 लड़के हैं फिर वहाँ पे हमने देखा तो जब एक को निकाला गया दूसरे पे हमें बुलाया गया कि इश्तियाक आपका ही बंदा है तब से ये एक सरासर जुल्म है यहाँ पे हमारे साथ हो रहा है हमारे भाइयों के साथ हो रहा है ऐसी इतना जुल्म हम घर से निकल के भी सेफ नहीं है इस टाइम वो मेरा हस्बैंड था वही मैं आगे वो हार्ट डिस्कवर के मैं गई उस अंगन थार वाय 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 मैं गो खबर क्या वाय बनाया है कोई नहीं तो वाय 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 मैं तुम वाटी वाय भी क्या बना वाय 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 तो वाय मैं लड़ी जंगन थार हार्ड स्थार वाय 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 तो वाय भी क्या बना मैं नहीं नहीं जो कज़न शहाय भी खेल वन वाय वाय खुदायो वाय 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 अति भाई चलो भाई अरमान तेरे खून से बस इंसाफ चाहिए इंसाफ